हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज मेरा मेडिकल हो गया है, लेकिन आज मेरा मेडिकल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिले, और जो भी आप लोग का डाउट होगा, जो भी प्रश्न होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा आप लोग को पता है जोन है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद। तो मेरा यहाँ पर जब मैं मुंबई में आया तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ सबसे पहले, उसके बाद मेडिकल। तो मेडिकल के लिए यहाँ पर मुंबई में 5 हॉस्पिटल है, तो मुझे बांद्रा भेजा गया। फिर बांद्रा में मैं आज गया मेडिकल के लिए, तो वहाँ पर मेरा सबसे पहले जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब हुआ, फिर यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, फिर एक्सरे हुआ। ठीक है, उसके बाद मेडिकल मेमो और साथ में आधा पर्चा लेकर वो लोग बोले कि आप मुंबई सेंट्रल जाइए। मुंबई सेंट्रल में एक हॉस्पिटल है जगजीवन राम हॉस्पिटल, जो कि रेलवे का ही है, क्योंकि बांद्रा में यहाँ पर लेजर, जो आप लोग का कोई लोग स्टूडेंट लेजर करवाए रहते हैं आँख में, तो लेजर की सुविधा नहीं थी क्योंकि लेजर चेक करना था, तो मुंबई सेंट्रल में भेजा गया जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर आज मेरा लेजर वाला नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं आया बांद्रा में, उसके बाद पूरी प्रक्रिया हो गई है और सिर्फ रह गया लेजर का बाकी है। ठीक है, तो अब जैसे ही उसका लेजर वाला कंप्लीट हो जाता है और जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं फ्रेंड्स आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर्चा साटा हुआ था विजिलेंस का। ठीक है, क्योंकि बताया गया है, आप लोगों को पता होगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी हाजीपुर जोन में छापा पड़ा है विजिलेंस का, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल के लिए लोग पैसा मांग रहे थे। तो यहाँ पर भी पर्चा सटा हुआ है। आप लोगों के साथ भी फ्रेंड्स ऐसा हो तो आप लोगों को मैं एक क्या बोलते हैं कम्युनिटी पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को लिस्ट दे दूंगा, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर नंबर भी दिया गया है, ऐसा बट नहीं हो रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। तो मेरा आँख वगैरह सब चेक हो गया, बट मैंने ना घर से आँख चेक करा कर आया था, तो मेरा आँख 6x6 दिया गया था, बट यहाँ 6x9 दिया गया। कोई बात नहीं, क्योंकि A2 स्टैंडर्ड है, तो ये लोग शायद A2 स्टैंडर्ड ही दिए थे। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न आप लोगों को होगा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को हर अपडेट और सही जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।